दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं यूसुफ प्लाजा की गलियों से, और अब हम निकल पड़े हैं। बारिश के बाद गलियों को क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। अभी भी कीचड़ वीचड़ जमा है सब जगह, और ये यूसुफ प्लाजा की बैक साइड है, और सामने ही मेरे है यूसुफ प्लाजा। बारिश तो फिर सर पर खड़ी है, और पिछली बारिश के ही आसार नहीं गए। करीब वो बारिश तो नहीं खिलाएगी, क्योंकि वो इतनी कोई ख़तरनाक बारिश भी नहीं थी। खास सर पर कराची के लिए, क्योंकि और जगह तो बहुत ख़तरनाक बारिश थी। तो बड़ी ताज़े यहाँ पर टमाटर मिल रहे हैं, साथ में मार्केट है। तपती धूप पड़ रही है इस वक्त। बारिश की जो धूप होती है ना, बाद बारिश के वो बहुत ज़्यादा तपती धूप चल रही है, चुभने वाली। और अब शुरू होती है, वाटर पंप का बॉर्डर आ गया है, और यहाँ से शुरू होती है मार्केट। बड़ी ज़बरदस्त होलसेल मार्केट है, और यहाँ पर आपको सारी दुकानें मिलेंगी होलसेल रेट में। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और मेरे दाएं जाने सारी फ्रूट्स मिल रहे हैं, और बाएं जाने भी दुकानें हैं। रमज़ान के बाद थोड़ा तो सन्नाटा लगता है भाई, लेकिन ये वो मार्केट है और ये वो जगह है जो दोबारा से रश लगेगा। यहाँ पर 670 रुपये किलो चिकन चल रही है, और रश में थोड़ी कमी है। धूप भी ज़्यादा है, इस वजह से कह सकते हैं कि वही कमी तो है। और साथ ही साथ खूबसूरत दुकान, हर चीज़ की दुकान मौजूद है यहाँ। ये यूसुफ प्लाजा के बिल्कुल आपको बैक साइड पे ये मार्केट पड़ेगी। छोटी सी मार्केट है, लेकिन कमाल की साफ़ सुथरी बिल्कुल मार्केट है। और रेड रेड एप्पल, ओए होए होए, देख के दिल छाने लगा। और दोस्तों, सारी ही सब्ज़ियाँ वहाँ पर मौजूद, ग्रीन ग्रीन सब्ज़ियाँ, मज़ा आ रहा है देखने में। और अब शुरू होता है प्लास्टिक का कुछ सामान, सब कुछ ही मौजूद है। कूलर आ गए मार्केट में, एंट्री दे दी कूलरों ने, क्योंकि अब होने वाली है गर्मी। अब अगर आपको सीवियों भी घूमने जाना पड़ेगा ना, तो एक्स्ट्रा कूलर ले जाना पड़ेगा। नींबू 150 रुपये पाव की आवाज़ आ रही है मुझे दूर से। और ये वो मार्केट है जो रात देर तक खुलती है। अगर आप यहाँ दो नींबू हरी मिर्च से सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर पर्दों की दुकानें, प्लास्टिक की दुकानें, साथ में ड्राई फ्रूट की दुकान है, तेल घी आटा चीनी, और फिर से दिख गए रेड रेड एप्पल। बोल लग रहा है मुझे आज एप्पल खाने ही पड़ जाएंगे। और अब आती है मछली, मछली आ गई है भैया, और एक नज़र मछली पे भी डाल रहे हैं। क्या हिसाब चल रही है भैया? हर रेट की है भाई, 400 भी है, 350। थोड़ा सा हमें बताना शुरू करें, ये वाली क्या हिसाब है? वाइट वाली 900। ज़रा उठा के दिखाइएगा मैं हमारे कैमरे में, मेरे दोस्त देखना चाहेंगे। देखिए भाई, 900 रुपये किलो है। थोड़ा सा आगे करके दिखाते हैं, 900 रुपये किलो ये चल रही है। कौन सी है ये? ये बड़ा मुश्का है। बड़ा मुश्का, और वो ब्लैक वाली कौन सी है? ये सिंघाड़ा है। सिंघाड़ा भी दिखाते हैं एक मिनट हाथ में। और ये सिंघाड़ा, ये क्या किलो चल रही है? 450। 450 कितने किलो का ये दाना होगा? 2 किलो, 2.25 किलो। 2 किलो, 2.25 किलो का। और ये क्या हिसाब है? एक ही चीज़ है। ये सब एक ही। और दूसरी वाली ये सहारनपुर में ही है। सहारन, ये क्या हिसाब है? ये 700 रुपये। 700 रुपये हिसाब। तो आप साथ में अपनी दुकान का एड्रेस भी बताते चले, हम कहाँ खड़े हुए हैं? वाटर पम्प की मार्केट। वाटर पम्प यूबीएल बैंक के सामने। यूबीएल बैंक के सामने वाटर पम्प। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मछलियों के क्या रेट चल रहे हैं, और मुझे ताज़ी मछलियाँ लग रही हैं बिल्कुल। और सामने भी ना झींगा शिंगा सभी। बड़ा झींगा क्या हिसाब चल रहा है? झींगा बड़ा वाला 1200 है, छोटा वाला 1000 रुपये किलो। बड़ा 1200 और छोटा 1000 रुपये। बहुत शुक्रिया भाई आपका।
और हमें टाइम देने के लिए अब हम आगे की तरफ निकलते हैं। ओए 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 ओए, हमें सामने से घूम के आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप जब मार्केट से निकलेंगे तो आप रॉन्ग हो जाएंगे। और अब शुरू होती है वाटर पंप की सैनिटरी मार्केट, और धूप के बायस गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई हैं। मुझे लग रहा है लोग घरों में मौजूद हैं, और यहाँ पर फ्लैट्स की भी कसीर तादाद है। और गर्मी में अगर आप मछली खाएंगे तो फिर आपको सर्दी में फ़ायदा करेगी, कह रहे हैं एक साल बाद फ़ायदा करती है। और यहाँ की ये मार्केट, यहाँ पे टाइल्स वगैरह बहुत आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, अगर मैं दिखाने आपको आगे गए ना, तो आज मेरा ब्लैक सूट जो है ना वो वाइट में बदल जाएगा। और अब हम डन होने लगे हैं, सामने ही मेरे दिल का अस्पताल है, वाटर पंप 16 नंबर। साथ ही साथ दूसरी तरफ भी बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पे भी आपको सैनिटरी के हवाले से और घरों में कारपेंटर का काम होता है, मार्बल का काम होता है, तो उसके हवाले से काफ़ी बड़ी आपको रेंज मिल जाती है। प्लम्बर की भी दुकानें काफ़ी सारी हैं। और अब जिस गली से गुजर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, बाइक्स वाटर पंप के साथ ही, और आप सिर्फ यहाँ पर बाइक का टायर लेके आ जाएं या चेचिस लेके आ जाएं, आपको बाइक बना के दे देंगे। हर चीज़ ही यहाँ पर बन रही है, हर चीज़ ही ठीक हो रही है। और बारिशों के बाद तो आपको ये चीज़ें करवाना लाजिम होती हैं, लाजिम क्या फ़र्ज हो जाता है बाइक का, हो जाता है जब बुरा हाल। मैं भी एक गंजी बाइक लेके ही घूमता हूँ, आप लोगों को पता ही है। यहाँ इसलिए रश है भाई, ये चीज़ इसको करवाना होता है ठीक, ज़रूरी। ब्रेक शू 180 रुपये के दोनों ब्रेक ले लेंगे मेरे दोस्त। जंप मेकर, ओहो, ये बहुत ज़रूरी है भाई। शाहिद आफरीदी ने क्या अपना खोल लिया है, शरबत का ठिया भी लगा रहे हैं शाहिद आफरीदी। और दोस्त मेरे पूछ रहे हैं कि आपको क्या करवाना है। हाँ भाई, और इस तरफ तो लोग ठंडे बैठे हुए हैं, ये शपाटर भी खाए हुए हैं आजकल। लगे कल तो हमने काफ़ी सारे शपाटर देखे हैं। और मेरे दोस्त स्ट्रॉन्ग आ गए, और चलती फिरती दुकान गन्ने की, गन्ने का जूस कहीं भी रोक के पी लें। और अब हम निकल पड़े हैं आगे की तरफ। अच्छी रक्षे पे क्या तस्वीर लगाई है, नंबर प्लेट की जगह पे तस्वीर लगाई हुई है। फोर एल की बस मेरे आगे से गुजर रही है, और अब मेरे बराबर से गुजर रही है। बट
एक मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस। आयशा मंजिल से आप लेफ्ट साइड पर जब देखते आएंगे तो बहुत बड़ा आपको बोर्ड दिखेगा मेट्रोपॉलिटन एकेडमी के सामने, और उस पर लिखा हुआ है कि मुस्तहिक मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस। और आजकल ये चीज़ें बहुत हो गई हैं आम, और बंदों के लिए ये जो मरीज़ हैं और जो गरीब लोग हैं उसके लिए ये करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे तो सभी वादा कर रहे हैं, सारी एनजीओ सारे ही इदारे आके वो वादा करते हैं, और वादा कौन करेगा पूरा। ये था मेमन हॉस्पिटल की तरफ से ये आपके लिए मैसेज था। वाटर पम्प स्कूलिंग सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम से थोड़ा सा पहले दाना डालने वालों के मुंतजर हैं कि कब वो आएंगे और इन्हें दाना डालेंगे। और अब आने वाला है अर्शी शॉपिंग मॉल। तो दोस्तों अर्शी शॉपिंग मॉल का व्यू हम देखेंगे, एक क्लिप यहाँ से भी ले लेंगे। अर्शी शॉपिंग मॉल आपको पता है कितना ही अफसोसनाक वाकया हुआ था, काफ़ी सारे लोग यहाँ तबाह हो गए। लोग तो अभी भी रह रहे हैं क्योंकि उनके घर हैं और घर बनाना बहुत मुश्किल है। नीचे दुकानें तो बन गई हैं और माल भी डाल दिया लोगों ने, लेकिन जो ऊपर घर हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, जू के तू हैं, और उस पर रिहाइश लोगों ने शुरू कर दी है। रिहाइश मुझे इसलिए लग रहा है कि शुरू कर दी है क्योंकि वहाँ पर इस्तेमाल के कपड़े टंगे हुए हैं, जो रोज़मर्रा के हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना वो टंगी हुई हैं। तो ये निशानी है कि लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं। और बिल्कुल रक्षाओं से तो भाई बहुत एहतियात करें। केबल नेटवर्क वालों की तरफ से काम किया जा रहा है। केबल नेटवर्क वालों ने तो भाई केबल वालों ने तारों का ऐसा गुच्छा बना दिया है, जो कसर थी वो के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी। अच्छा भाई अच्छा, जो कसर थी के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी। इतना नुकसान तो स्पाइडरमैन ने नहीं पहुँचाया होगा जितना नुकसान हमारे इदारों ने पहुँचा दिया, इन दो इदारों ने। इंटरनेट की तारें और साथ में के इलेक्ट्रिक की केबलें, स्पाइडरमैन भी यकीन माने इधर फंस जाएगा, वो नहीं आता इसीलिए यहाँ पर। वो बाहर मुल्क में इसीलिए रहता है कि यहाँ आके तो तारों मोलज की गिर जाऊँगा कहीं, और जब वो यहाँ पर गिर जाएगा तो डकैती की मजम्मत पे वो बेचारा जा भी सकता है या बच भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर आजकल जो डकैतियाँ चल रही हैं ना उससे तो कोई भी महफूज नहीं है। तो एक मैसेज मेरा स्पाइडरमैन के लिए भी, कराची की तरफ मत मुड़ना अभी फ़िलहाल। रख रहा है निकाल रहा है रख रहा है निकाल रहा है।
खून से बहुत पैसे। वाह वाह वाह, तीनों एक जैसे कलर, ध्रुवा भाई लग रहे हैं। मीरा बाजार आ गया है और मीरा बाजार का आपको ऊपर का व्यू दिखाते चले हैं। थोड़ी सी बाइक शो करेंगे और यहाँ से कुछ मनाजिर देखेंगे नीचे की तरफ, क्या सूरत हाल है नीचे की तरफ तो आप देख सकते हैं। ये देखिए शांति का माहौल चल रहा है बिल्कुल, और अंडर बाईपास में भी काम चल रहा है तो वहाँ से भी अपडेट करेंगे आपको किसी दिन। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रैफिक होगा। चालू गेट मार के यार, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन थे, ऊपर से और नीचे से जाने, तो हमने सेलेक्ट किया कि हम नीचे से जाएंगे। कौन है? और बाइक की दीवार दुखी बना दी। ऊपर छतों पे भी सफर कर रहे हैं भाई अभी से, गर्मी में बैठने का फायदा नहीं। सार्जेंट ने कर दिया है चलान, और बनता भी था चलान भाई, सार्जेंट ने चलान कर दिया है। वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ, एक दो दफ़ा मैंने भी सफ़र किया है जान को दाव पे लगा कर और उतर के तौबा कर लीजिए, भाई आपके पास ही बैठेंगे ऊपर। और उसमें मेरे साथ मेरे दोस्त शरीफ थे, हम दोनों ने भी तौबा कर दी क्योंकि हम बैठे थे टाटा बस होती है, न्यू ब्रांच की चलती है और जानी से आती है, बिना उसके लिए भी जाती थी। और जब से बसों में सफ़र करना छोड़ा है और पता नहीं टाटा चल भी रही है नहीं चल रही है, तो साथ ही साथ इंक्रोचमेंट भी मौजूद। अंजुमन इस्लामिया आगे सार्जेंट खड़े हुए हैं, हो सकता है इनको रॉन्ग को रोक लें, नुकसान हो इनको, एक एक रसीद लेके ये घर चले जाएं, क्योंकि घर जाके फिर पैसे भी लाने पड़ेंगे क्योंकि चलान के पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। यहाँ पर सारी की दुकानें मौजूद हैं, फैन, हर चीज़ की जो आप सोचेंगे तो आपको वही दुकान मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की, कपड़ों की मार्केट, फिलहाल तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। तो किसी दिन आपको अंदर से भी विज़िट कराएंगे। थोड़ा सा सब्र से काम लें, इनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने थोड़ा सा सब्र से काम लिया और हम निकलने में थोड़े कामयाब हो गए।
और रख दिया है रोड के बीच पे कोई बॉक्स, कराची की निशानी, कचरे का डब्बा जाने। तो ट्रैफिक चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलता हूँ एक अगली मोटो व्लॉग में, अगले लाइव में मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की अपडेट आपको कैसी लगी, और जो चीज़ आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा।